हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट 73 जो हमारे पास्ट ईयर जीएस क्वेश्चंस चल रहे हैं, और इन सब के जो लिंक हैं आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाते हैं और बाकी जो है आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे होंगे। बाकी जो है लेक्चर के बाद मैं सारे बताता हूँ। लगाइए सर, आज पहला क्वेश्चन लगाइए। सो पहला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एंड हम्पी इज इन, कहाँ पे है। देखिए जो हम्पी है, हम्पी डैट वॉज प्रीवियसली नेम्ड एज अ विजयनगर। सो विजयनगर जो था पहले उसको विजयनगर बोला जाता था, क्यों, क्योंकि विजयनगर जो है वो किंगडम थी, क्योंकि उन्होंने विजयनगर को अपनी कैपिटल बनाया था जो तुंगभद्रा रिवर के नज़दीक थी। तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के नज़दीक थी, और प्लस ये जो डायनेस्टी थी विजयनगर किंगडम बनी थी, और पहली डायनेस्टी थी संगमा, संगमा डायनेस्टी, और प्लस ये किसने स्टार्ट करी थी, हरिहर एंड बुक्का वन ने, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का वन। और विजयनगर किंगडम जो है, विजयनगर किंगडम तुंगभद्रा रिवर के किनारे, संगमा डायनेस्टी, और ये कहाँ पे थी जी, ये है कर्नाटक में। क्लियर, तो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी इज इन द कर्नाटक, दैट इज ए ऑप्शन, क्या बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फिल्म को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला, नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं मिला हुआ, तो वो है जी आपकी बी ऑप्शन। ये तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ते हैं, तारे ज़मीन पर को नहीं मिला, बाकी सारी मूवीज़ को जो है नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट, बम्बूसा डेंड्रोकाल्म्स, क्लियर, ये किसका साइंटिफिक नेम है। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आपको, अगेन आपको ऑप्शंस के अंदर मैंने बताया हुआ है, तो ये जो साइंटिफिक नेम है ये है बैम्बू प्लांट का। किसका जी, बैम्बू प्लांट का, डैट मीन्स आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उसमें देखिए जी ऑप्शन में बेनिन ट्री, जो हमारा राष्ट्रीय ट्री है, यानी कि नेशनल ट्री है, जिसको आप बोलते हैं फाइकस बेंगालिनेसिस, फाइकस बेंगालिनेसिस, क्लियर। और उसके बाद लिखा हुआ है पपाया, पपीता जिसे आप कहते हैं, डेट इज कैरियका, इट्स कैरियका पपाया, क्लियर। और थर्ड वाला तो ऑप्शन हो ही गया हमारा। नेक्स्ट है, इट्स पोमेग्रेनेट, यानी कि अनार को, डेट इज कॉल्ड पुनिका ग्रेंटम, ठीक है। तो ये सारे आंसर आप याद कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका राइट आंसर, बैम्बू प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, डेट इज बैम्बूसा डेंड्रोकाल्म्स। नेक्स्ट, एसिनोनिक्स जुबेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किस जानवर का साइंटिफिक नेम है, ये है जी चीता का, ठीक है, सी ऑप्शन। जैसे हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, वो उसका क्या है जी, पैंथरा टिग्रिस, और चीता का जो है वो है एसिनोक्स जुबेटस, ठीक है। और बाकी लिखा हुआ है बियर, भालू, ए ऑप्शन में उनका है यूसीडीए, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है हॉर्स, इसका है इक्वस कैबलस, क्लियर, इक्वस कैबलस। उसके बाद लिखा हुआ है जेब्रा, इसका भी ये क्या है, इक्वेस, क्लियर, इट्स क्वा क्वा, दीज आर द क्वेक्वा, जी जी ए, क्लियर। तो दीज आर द आंसर, क्लियर, तो इसका मतलब चीता जो है इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। देखिए ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए, इनमें से एटॉमिक नंबर जो जिंक से बड़ा किसका है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके लिए एटॉमिक नंबर्स आपको पता होने चाहिए। अगर किसी को नहीं पता होते, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप रिवाइज करते ना, ऐसी किसी ना किसी पेपर में आपको ऐसे मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें इतना ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि सारे सारे आप एटॉमिक नंबर वगैरह याद करने बैठ जाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लीव भी कर सकते हैं, जैसे जिंक का है 30, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं कॉपर, कॉपर का है 29, और नेक्स्ट है आयरन, आयरन का 26, क्रोमियम 24, नेक्स्ट है ब्रोमीन 35। तो इसने क्वेश्चन पूछा था 30 से ऊपर कौन सा है, जिंक से ऊपर कौन सा है, डेट इज ब्रोमीन, क्लियर। सो 35 डेट इज डी ऑप्शन क्या बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट,
SEO जो कंप्यूटर में यूज होती है टर्म उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO. क्लियर? सो बी ऑप्शन. अब क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर वगैरह में जो चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें जैसे आप सर्च करते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने डाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला आपने, ऐसे नहीं डाला SSC के, RRB के, कुछ भी इस तरीके से. क्या होता है कि वो जो SEO वगैरह वाले होते हैं ना, तो उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपको वो जैसे आपने प्रीवियस ईयर डाला था आगे आपको वो चीज़ आपको सामने दिख जाए, ठीक है. और वो चीज़ जो है, जो जिस चीज़ के पीछे लिंक हो रही है, वेबसाइट वगैरह लिंक है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको दिख जाए कि हाँ ये चीज़ इन्होंने दी है, तो आप देख सकते हैं. क्लियर? तो ये इनका काम होता है SEO वालों का, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर. नेक्स्ट, चांगलो इज द फॉक डांस ऑफ, किसका है? क्लियर? ये है जी नागालैंड का. किसका? नागालैंड का. दैट मींस डी ऑप्शन. क्लियर? और यहां पे बहुत सारे डांस और भी हैं, जैसे बैंबू डांस बहुत मशहूर है, रंगमा डांस भी बहुत सारा मशहूर है. क्लियर? तो ये याद कर सकते हैं आप. जैसे अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, सो वहां पे क्या है ए ऑप्शन में? इट्स बुइया, चलो. दीज आर द डांसेस वहां जो फेमस है, वांचो, ये भी डांस फेमस है. क्लियर? बाकी जो लिखा हुआ है पंजाब में जो है भांगड़ा, गिद्दा, डाफ. क्लियर? इट्स डाफ, धमन, बहुत सारे डांस बहुत सारे मशहूर हैं यहाँ पे. क्लियर? दीज आर द डिफरेंट डांसेस. उसके बाद लिखा हुआ है असम में जैसे बिहू, असम का तो बिहू बहुत मशहूर है, जो आपको पेपर में बहुत बार पूछा जाता है. क्लियर? इट्स नागा डांस, खेल डांस, बहुत सारे जो हैं यहाँ पे फेमस हैं. क्लियर? तो दीज आर द डिफरेंट डांसेस फॉर्म फोक डांस, दैट मीन्स यहाँ पे नागालैंड जो पूछा गया है, चांगलो जो है वो किसका डांस है? नागालैंड का. डी ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट. यूरिन का जो कलर होता है वो येलोइश होता है, नॉर्मल कलर. और एक क्वेश्चन ये है कि ये रीज़न क्या है? मैंने बहुत बार आपको क्वेश्चन बताया है कि इसमें आपने याद कैसे करना है कि वर्ड जो क्रोम होता है, क्रोम वर्ड का मतलब क्या होता है? कलर. ठीक है, और यूरो मतलब क्या होता है? यूरिया और यूरिन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या आंसर बन गया? यूरोक्रोम, यूरिन कलर. तो आंसर इज क्या बन गया आपका? ए ऑप्शन. और ये जो पिगमेंट आता है ये हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है, ये वाला पिगमेंट. और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है हमारे यूरिन की वो अराउंड 6 होती है, डेट मीन्स एसिडिक. क्लियर? एंड प्लस और चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूरिन के अंदर 95% वाटर है, 95% वाटर, 2% सॉल्ट है, 2.7% यूरिया है, 0.3% यूरिक एसिड है. ठीक है, और बहुत सारे जो है आपके क्रिटिनिन, ऐसे जो है आपको प्रोटीन वगैरह भी मिल जाते हैं. तो इसका जो आंसर बनेगा वो बना ए ऑप्शन, यूरोक्रोम. क्लियर? क्लोरोफिल आपको पता है जी, प्लांट्स के अंदर जहां जहां पे ग्रीन कलर है वहां पे क्लोरोफिल है. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, दीज आर द किचन ऑफ द सेल, जहां पे खाना बनता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है. और फोटोसिंथेसिस जो मैक्सिमम होती है वो 700 नैनोमीटर की लाइट में मैक्सिमम देखने को मिलती है आपको, इस रेंज में देखने को मिलती है, जिसमें से रेड कलर जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, और रेड ब्लू वायलेट कलर जो होता है आपका जो है मिनिमम फोटोसिंथेसिस करता है. क्लियर? नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट पीपल. लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि जैसे ही किसी चीज़ की रेट गिरेगा वैसे ही उसकी क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. बाकी चीज़ें अलग हैं, लॉज बाकी कॉन्सेप्ट जो है आपकी एक्सेप्शंस अलग हैं, कौन सी थ्योरी बीच में लग गई, कौन सा एक जो है एग्जांपल आ गया, गुड्स के ऊपर आ जाता है, इन्फीरियर सुपीरियर बहुत सारी गुड्स आती हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर आ रहा है. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि मांग किस चीज़ की क्यों बढ़ेगी जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी. क्लियर? दैट इज बाय मोर ऑफ ए गुड एज द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स. दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन. बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर, बी ऑप्शन. नेक्स्ट, ओजोन लेयर जो होती है, देखो ओजोन पे ऊपर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बार बार हमारे आई थिंक मुझे यहां तक लगता है कि हमने मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट किया है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और आपको पता है कि क्लाइमेट हमारा कितना जो है हमारा मुद्दा बना हुआ है हमारे वर्ल्ड लेवल तक का. क्लियर? सो ओजोन लेयर जो है वो कहां पे मिलती है? तो ये मिलती है जी स्ट्रेटोस्फीयर में, दैट मींस ए ऑप्शन. क्लियर? स्ट्रेटोस्फीयर में. अगेन मैंने आपको बता रखा है कि ओजोन जो है दो तरीके की है, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. जो गुड ओजोन है आपकी, गुड ओजोन कहाँ पे मिलती है? ये आपकी मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीरिक ओजोन.
और ये क्या करती है, यूवी रेज को पेनिट्रेट होने से बचाती है, यानी कि यूवी रेज को अंदर नहीं आने देती। अब बैड ओजोन क्या होती है, बैड ओजोन जो है आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को क्यों, क्योंकि यहाँ से जितने भी हम कुछ भी जलाजलों के जो ऊपर ट्रोपोस्फीयर में भेजते हैं वहाँ पे एक लेयर बन जाती है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसमें आपका ये जो कंटेंट है वो हमारा हार्मफुल बन जाता है। ये हमारी गुड ओजोन है इसलिए, क्योंकि ये यूवी रेस से हमें बचाती है। ये बेकार है क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, क्लियर। और ओजोन कहाँ पे होगी जी, आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, और प्लस यहाँ पे ही आपके स्ट्रेटोस्फीयर में वही है जी जहाँ पे जेट प्लेन्स वगैरह चलने को देखते हैं हम, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड वगैरह फिनोमिना देखने को नहीं मिलता। जितने भी मौसम की जानकारी है, वेदर, क्लाउड, रेन, ये सब कुछ कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ट्रोपोस्फीयर में। इसका मतलब आंसर क्या बना जी आपका, ए ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फीयर। बाकी यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर मैंने बता दिया, मीजोस्फीयर कोल्डेस्ट लेयर है आपकी, थर्मोस्फीयर सबसे हॉटेस्ट लेयर है जहाँ पे आपके सैटेलाइट्स वगैरह के रेडियो वेव्स वगैरह भी देखने को हमें मिलती हैं, क्लियर। आयनोस्फीयर भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है इनमें से कौन से स्टेट में है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सो ये तो फटाफट आपने आंसर दे भी दिया होगा वैसे तो। रणथंभौर जो है वो कहाँ पे है, वो है जी राजस्थान में, ए ऑप्शन, ठीक है। और इसके अलावा मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का, दीज आर ऑल्सो इन द राजस्थान, क्लियर। बाकी लिखा हुआ है अगेन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर, कवल, ठीक है, तो दीज इन द आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहां पे क्या आंसर है, नामडाफ, पके, क्लियर, दीज आर द टाइगर रिजर्व, क्लियर। और इसको कामलांग भी है यहां पे, कामलांग, दीज आर द टाइगर रिजर्व्स। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कॉर्बेट, राजा जी, दीज आर द टाइगर रिजर्व्स, क्लियर। सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज, और 2 यूटीज जो हैं हमारी दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पे क्या है आपकी विधानसभा है, ठीक है, ध्यान रखना ये आंसर। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए हार्ड कोल कंटेनिंग लिटिल वोलेटाइल मैटर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था कोल की 4 वैरायटीज होती हैं, ए बी एल पी, बहुत बच्चों ने तो याद भी कर लिया होगा ये, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेटर एंथ्रासाइट, क्योंकि यहाँ पे सबसे कार्बन कंटेंट ज़्यादा, सबसे जो फ्यूल जो है आपकी पावर ज़्यादा और धुआं कम देता है, सबसे ज़्यादा अच्छा ये है, क्लियर। और यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन। बाकी जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है लोएस, ये क्या होता है, ये होता है कि सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है कुछ, यहाँ से उठी चीज़ और यहाँ पे क्या होगी, डिपॉजिट होगी। और ये किससे जा रही है, विंड से। अगर कोई विंड से जो जाके चीज़ डिपॉजिट हो रही है, सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, डेट इज़ कॉल्ड लोएस, क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ एटोल, एटोल जो है आपका ये क्या होता है, जैसे सी के अंदर ये क्या होता है, कोरल रीफ बन जाते हैं, जैसे ये लेगून होती है और इसके अराउंड जो है ये कोरल है, तो दिस इज कॉल्ड एटोल फॉर्मेशन, क्लियर। और लावा आपको पता ही है जी, नीचे से धरती से निकलता है और अगेन आपके अर्थ के ऊपर आ जाता है, और लावा जो है आपका वॉल्केनोज के कारण आता है, और ये वॉल्केनोज वगैरह जैसे फटते हैं, सबसे ज़्यादा जो रिंग ऑफ फायर आपको पूछा जाता है कई बार पैसिफिक ओशन में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वॉल्केनोज देखने को हमें मिलते हैं और लावा पूरा का पूरा फ्लो करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये है, पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल सिटी ऑफ, ये किसकी है, ये कौन सी सिटी है। मैं आपको सारी सिटीज के नाम बताता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। देखिए जी, पहला है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की है रियाद कैपिटल, और करेंसी है इनकी रियाल, ठीक है, सऊदी रियाल, और उसके बाद रियल, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, प्योंगयांग कैपिटल है और करेंसी है नॉर्थ कोरिया वॉन, ठीक है। ऐसी साउथ कोरिया की पूछी जा सकती है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और इनकी कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरिया वॉन, ठीक है। और बाकी सी ऑप्शन में चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की है प्राग, और क्या बन गया जी आगे, इट्स चेक नोरूना, कोरोना, चेक कोरोना, कोरोना, ठीक है, चेक कोरोना। और नेक्स्ट है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, इसकी है जी कैपिटल आपकी
पोर्ट ऑफ स्पेन, क्लियर। और इनकी करेंसी क्या है, इट्स ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डॉलर, ठीक है। तो आंसर इसका बनेगा जी डी ऑप्शन, पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो डी ऑप्शन की क्या है आपकी कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट, चाणक्य जो है वो किसका चीफ एडवाइजर था, चाणक्य को जिसे आप कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं जी आप इसको, और ये किसका जो है एडवाइजर था, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य एस्टेब्लिश किया था मौर्य वंश, किसको हरा के, नंदा वंश को, अनंदा के कौन से राजा को, धनानंद को। अब धनानंद को किस हराने में किसका जो सबसे ज़्यादा हेल्प लगी थी, कौटिल्य और चाणक्य ने इसकी हेल्प करी थी जो एडवाइजर था, और इनकी मदद से ही इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था जो सिकंदर का अलेक्जेंडर का सेनापति भी था, क्लियर। और इसको हरा के इसकी बेटी से शादी हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, क्लियर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी से, इसकी बेटी का नाम, द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, क्लियर, बता सकते हैं। अगेन ये सेल्यूकस निकेटर जो है वो ग्रीक से बिलोंग करते हैं, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से बुलाते थे, सेंड्रोकोटस के नाम से भी बुलाते थे, क्लियर, पता होना चाहिए। तो आंसर बना जी आपका बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो है वो किसके बीच में लड़ी गई, अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी 1576 में। एक्चुअली अकबर की साइड से लड़ कौन रहा था, राजा मानसिंह ऑफ अंबेर, ठीक है, ये लड़ रहे थे किसकी साइड से, अकबर की साइड से, अकबर खुद नहीं लड़ रहा था, अकबर की साइड से ये लड़ रहे थे राजा मानसिंह। ये राजा मानसिंह वही हैं जिनको सबसे ज़्यादा 7000 मनसबदारी मिलती थी, सबसे ज़्यादा मनसबदारी इनको मिलती थी, क्लियर। और प्लस आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि राजा मानसिंह हो गया, और राजा मानसिंह नवरत्न में भी था, क्लियर, किनके, अकबर के दरबार में नवरत्नों में। जब महाराणा प्रताप यहाँ से लड़ाई से भाग गए थे, और इनका जो घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था, चेतक, किनके, महाराणा प्रताप के घोड़े का, क्लियर। और उसके बाद देख लेते हैं जी बाकी ऑप्शन, जैसे लिखा हुआ है शेरशाह के, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हुमायूं के साथ लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी थी, और साथ के साथ जो है बैटल ऑफ कन्नौज 1539-1540 में, 1539 में चौसा वाली लड़ाई लड़ी थी, और 1540 में कन्नौज वाली लड़ाई लड़ी थी जिसमें हुमायूं को हरा दिया गया था और हुमायूं को भगा दिया गया था, फिर शेरशाह सूरी का अंपायर स्टार्ट हो गया था। शेरशाह सूरी वही हैं जिनका टॉम्ब कहाँ पे, सासाराम बिहार के अंदर है, क्लियर। और प्लस शेरशाह सूरी ने जो है पुराना किला ओल्ड फोर्ट दिल्ली के अंदर भी उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट, सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है, हेमू विक्रमादित्य, इनकी से हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 में अकबर के साथ, क्लियर। और नादिर शाह जो है 1739 में हमारे देश के ऊपर जिन्होंने अटैक किया था, और प्लस यहाँ से पीकॉक थ्रोन जो है लेके चला गया था अपने देश के अंदर। ये पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया था, शाहजहां ने, क्लियर। और शाहजहां की एज को ही तभी क्या बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, क्यों, सबसे ज्यादा जो चीजें बनवाई हैं वो शाहजहां ने ही बनवाई थी, क्लियर। तो आंसर क्या बना जी इसका, बी ऑप्शन, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट करने वाला पर्सन कौन है, इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिन्होंने ये जावास्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज को जो है प्रचलित किया है, और किसने इन्वेंट किया है, इट्स ब्रैंडन इच, दैट इज ए ऑप्शन, ब्रैंडन इच, क्लियर। और उसके बाद लिखा हुआ है विलियम एंटोविन, क्लियर। इन्होंने क्या किया था, बी ऑप्शन में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपकी हार्ट की एक्टिविटीज को चेक करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्लियर। और सी ऑप्शन लिखा हुआ है जॉर्ज ईस्टमैन, इन्होंने क्या किया था, कोडेक कंपनी जो आपकी जैसे वो होते ना फोटोज खींचते हैं हम, वो एक रील सी आती है, क्लियर, रोल फिल्म आती है, क्लियर। तो रोल फिल्म का जो वो था वो किसने डिस्कवर किया था, इन्होंने, जॉर्ज ईस्टमैन ने, क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इट्स डिकेन हैज हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम, देखिए डिकेन जो होता है, अल्केन की बात चल रही है, अल्केन का फॉर्मूला होता है जी आपका CnH2n+2, ठीक है। अब अल्केन, डिकेन बोला उन्होंने, डिकेन का मतलब क्या हो गया,
यहाँ पे H 10 वैल्यू भरी जाएगी, तो यहाँ पे C 10 होगा, H कितना होगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन आइटम पूछा है उसने, हाइड्रोजन आइटम 22, यहाँ पे 10 की वैल्यू भर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। डिकेन मतलब 10 हो गया और एन वर्ड यूज किया, ए एन ई वर्ड यूज किया हुआ है, डेट मीन्स ए एन ई का मतलब क्या होता है, अल्केन, क्लियर। अल्केन का मतलब, अल्केन का फॉर्मूला ये वाला है, सी एन एच टू एन प्लस टू वाला फॉर्मूला है, क्लियर, आपके जो केमिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग हियरिंग रेंज ऑफ, देखिए हमारी जो रेंज है सुनने की, जिसे हम ऑडिबल रेंज कहते हैं, वो कितनी है हमारी। सो ऑडिबल रेंज जो है वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज़, दिस इज द ऑडिबल रेंज, क्लियर। इससे ना कम सुन सकते हैं ना ही इससे ज्यादा सुन सकते हैं, क्लियर। अब क्या होता है, एक होती है आपकी अल्ट्रासोनिक, ये क्वेश्चन बहुत है, चलो आप एक क्वेश्चन बताओ, चलो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं इसकी रेंज बताओ, ठीक है, और प्लस ये बताओ कौन सा ऐसा एनिमल है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता भी है और परसीव भी करता है, रिसीव भी करता है, कौन सा ऐसा जानवर है जो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता भी है और उसको रिसीव भी करता है, कौन सी, कौन सा एनिमल है, क्लियर। तो मैमल है वो बताइए जी, कौन सा है अल्ट्रासोनिक वाला, और हमारी रेंज ये वाली है 20 से 20,000 हर्ट्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लगाइए, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पे हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये है जी यूपी में 80, क्लियर, और लोकसभा के ऊपर सीटें टोटल कितनी है जी, 552 है मैक्सिमम, अभी कितनी है 545, जिसमें से आपके 545 में से 543 प्लस दो होते हैं आपके एंग्लो इंडियन, जो आपके प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, क्लियर, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इनको। नेक्स्ट लगाइए, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द कबड्डी टीम, अभी कबड्डी के लिए जो चीज़ें चल रही हैं टीवी पे आप देख भी रहे होंगे, सो कबड्डी टीम के अंदर जो है कितने प्लेयर्स होते हैं, 12 प्लेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों साइड से खेलते कितने हैं, साथ साथ खेलते हैं, 12-12 प्लेयर दोनों साइड पे होते हैं, वन साइड टू साइड, और 5 बैठे होते हैं साथ साथ खेल रहे होते हैं, तो ऑप्शन में क्या है जी आपका, बी ऑप्शन। अब ध्यान रखो इस चीज का, अगर 12 ऑप्शन आता और 7 ना आता तो आप 12 ही टिक मारते, क्लियर, तो इस चीज को आपने ध्यान देना था, तो बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, इस बुक के जो ऑथर कौन है यहां पे, तो वो है जी शशि थरूर, शशि थरूर, ये तो आपको पता होगा कि इनके जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के कितने डेंजरस होते हैं, क्लियर, और ये जो हैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्लियर। सो ये था आज के लेक्चर के अंदर, क्लियर, तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। तो आगे जाने से पहले दीज आर लिंक्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और बाकी सारे लिंक्स जो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, प्लस आपको जो लिंक के जो पास्ट पेपर्स जो हैं जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।